तो इस एपिसोड की शुरुआत हमारे मुर्गे से, जिस मुर्गे को ना पेड़ पे वापस बंद करके रख दिया गया, धमकी दिया गया कि जब तक बोलेंगे नहीं ना, जब तक तुझे नीचे आने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। कई महीने को टाइम यहाँ पे गुजर जाता है, पेड़ भी अब यहाँ पे कांपने लग जाता, मोटा जो है ही अपना मुर्गा इतना। तो अपना बद्दा डिसाइपल कहता भी कि मास्टर भी हमने मुर्गे को लंबे समय के लिए यहाँ पे बंद कर दिया, तो भी जो गोल्डन क्रो है ना यानी आसमान में तीन तीन सूरज, वो वापस जा कहीं को नहीं रहा। हमारे मेन कैरेक्टर कहता है सुनो भाई, जो टूथपेस्ट होता है ना वो पैकेट से निकल जाता है, लेकिन पैकेट में डाल पाना वापस से मुश्किल होता है, यानी भाई वो आ गए लेकिन वापस उनको भेजना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यांग कहता है केवल इसी के चक्कर में जो राइटियस और डेमोनिक कल्टीवेटर का फाइट है ना, अभी के लिए उनके बीच में पीस मेंटेन है और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करा, इसी के चक्कर में। हमारा मैं कहता है इसके चक्कर में ना, फिर तो उन आदमी से जाके मैं पूछ भी सकता हूं। अब आते दूर के एरिया में जहां पर राइटियस कल्टीवेटर और डेमोनिक कल्टीवेटर के बीच में जंग यहां पर चलो था, उतने में हमारे मेकट्टर ने यानी हैंड ने ग्रैंड सॉर्ड यूनिटी जो था ना वो वापस से ये एक्टिवेट कर लिया था। जैसे एक्टिवेट होता हमको मालूम है सारे के सारे सॉर्ड है ना उड़ के उनके ओर चल जाते हैं, तो हमारे सारे कल्टीवेटर का शॉट चल जाते हैं। ये लोग भी कहते हैं कि अरे यार कौन था यार ये बंदा जिसने भी इस टाइम पे एक्टिवेट कर लिया, हमारे सारे के सारे सॉर्ड यहाँ पे उड़ के चले गए, अब हम लोग क्या करें, हम लोग कैसे फाइट करें। जो डेमोनिक कल्टीवेटर थे ना बड़े खुश हो जाते, कहते वाह यार तुम्हारे किसी बंदे ने एक्टिवेट किया, तुम्हारा सारा सॉर्ड यहाँ पे चला गया, और तुम लोग लड़ाई कैसे करोगे, खाली सॉर्ड यहाँ पे जाता है बाकी वेपन नहीं जाता, हमारे पास भाई ये सारे वेपन भी, जैसे कि हथौड़ा हो गया, जैसे कि कांटे वाला वेपन हो गया, तुम्हारा क्या होगा। तो हमारा ये लड़का कहते यार ये बात तुमने एक्जैक्टली ठीक बोला, बिना सॉर्ड का हमारा क्या होगा, लेकिन हमको आइडिया लग चुका था कि एक ना एक दिन हमारा अचानक से गायब हो जाएगा, तो हमने एडवांस में तैयारी कर ली और हमने भाला भी निकाल लिया, अब तुम्हारा क्या होगा। हाँ तो डेमोनिक कल्टीवेटर भी लाइक भाई चीटिंग यार, ये तो चीटिंग हो गया यार, गेम में ऐसा होगा तो मैं नहीं खेलूंगा। अब आते भाई उसी अजीब से दुनिया में यानी रिवर डाउ की ओर, जहां पे हमारा मैं कटर आ चुका था और आते कहते हेलो भैया कैसे हो, मुझे ना गोल्डन क्रो के बारे में पूछना था। ये भी कहता साले मुझे लगा ही था किसी ने अभी अभी ग्रैंड सॉर्ड यूनिटी एक्टिवेट किया, यानी तूने एक्टिवेट किया, क्योंकि तुझे मालूम है ये एक्टिवेट कहते ही तो ये दुनिया में आ जाता है, बस ये दुनिया में आने के लिए तूने ये किया। जियो सुंदर हमारा है ना कहता ऑफ कोर्स भाई मुझे आपसे मिलना था, मुझे आपसे सवाल पूछना था, इसलिए बस मैं यहाँ पर आ गया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए वरना मैं जाने वाला नहीं हूँ। तो ये भी कहता भाई तूने एकदम है ना ये घर है ना मतलब ये जो पूरे जगह को अपना ससुराल यहाँ पे समझ के रखा है, जब भी आता है और कभी भी निकल जाता है, छोड़ो कोई बात नहीं मैं तुझे जवाब दे देता हूँ। तूने क्या बोला ये जो 3 गोल्डन क्रो है ना उसके बारे में, हाँ तो ये जो गोल्डन क्रो है ना वो बेसिकली कॉम्बिनेशन यहाँ पर है एक मॉर्टल क्रो का और साथ ही में डिवाइन गोल्डन क्रो का। जो मॉर्टल क्रो है ना वो समझ ये दुनिया का सूरज यहाँ पर, वही सूरज जो तुमको आग यहाँ पे देता है और जो तुमको गर्मी देता है, जो तुमको उजाला देता है, और ये इसी दुनिया में आराम से मेंटेन रहेगा, कुछ भी करने वाला नहीं है। और सेकंड यहाँ पे आता भाई डिवाइन गोल्डन क्रो जो कि इमोर्टल दुनिया का गोल्डन क्रो यहाँ पर है, जो कि बड़ा कमाल का स्ट्रॉन्ग क्रो यहाँ पर होता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होता है, यहाँ तक कि हेवेली पैलेस हो गया, डिवाइन पैलेस हो गया, हेवेली कोर्ट हो गया, डेमोनिक पैलेस हो गया, वो भी उनके साथ पंगा नहीं लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता कि ओके ठीक है, तो अगर सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करूँ तो जो गोल्डन क्रो है ना उसमें से भाई मोटा गोल्डन क्रो होता है और डिवाइन गोल्डन क्रो होता है, और जो हमारा सूरज है ना वो मोटा गोल्डन क्रो जो कि पहले से मेंटेन था, और आसमान में 3 सूरज है, एक अपना पहले वाला और दूसरा पक्का डिवाइन गोल्डन क्रो होगा। ओके मुझे सारी बातें समझ आ रही है, तो मुझे ये बताओ ये जो डिवाइन मोल्टा क्रो है वो हमारी दुनिया के अंदर आ नहीं ना जाएगा। तो वो भी कहते हैं कि नहीं यार, क्योंकि जो डिवाइन वाला है ना उसका जो आग होता है हमारे नॉर्मल कुएं से बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, अगर वो बाई चांस हमारी दुनिया में आ गए ना दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तो इमोर्टल लोगों ने हम जैसे लोग के दुनिया में आने से उनको फॉरबिडन यानी मना कर दिया, तुम आ ही नहीं सकते। लेकिन एक सेकंड तू अचानक से मेरे से इन सारी चीजों के बारे में बातचीत किए जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं तेरी दुनिया के अंदर, ओ माय गॉड नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेट मी सी। तो यहाँ पे बैठे बैठे कुछ तो करता है, जैसे हमारी दुनिया में 3-3 वही सूरज यहाँ पे दिखाई देता है, समझ आता भाई एक तो भाई अपने दुनिया का नॉर्मल सूरज है, बाकी दो और डिवाइन वाले यहाँ पर है, लेकिन ये दोनों यार क्या मतलब कैसे, अरे यार इनको रोका कहीं को नहीं गया। मुझे याद है ये जो गोल्डन क्रो के जो भी क्लैन है उनमें गड़बड़ यहाँ पे चालू है, तो गड़बड़ के चक्कर में तो नहीं ना हो गया यार, लेकिन ये दोनों तो बड़े बच्चे टाइप के यहाँ पे लग रहे जो अभी अभी पैदा हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अच्छा ये जो दोनों जो है वो बच्चे वाले हैं तो लो लेवल के होंगे, ये कहता है क्या बड़े लो लेवल के अभी अभी पैदा हुए बस महानाया स्टेज के बंदे हैं। जैसे ये सुंदर हमारा मेन कैरेक्टर मोट गोटे मुंह में आ जाता है भाई मैं 500 साल का हूँ और अभी तक महानाया स्टेज पे जा नहीं पाया, और वो कौए बस अभी अभी पैदा हुए और वो महानाया स्टेज पे चले भी गए, मजाक है क्या। अरे यार ये उनके दुनिया के जो लोग थे उनका जो कौआ क्लैन है उन्होंने रोका काहे को नहीं यार, गलती से ये लोग हमारी पृथ्वी के और भी पास आ जाएंगे ना यार, बर्बाद हो जाएगी हमारी दुनिया। वो भी कहता है कि यार रोकना तो चाहिए था,
आई डोंट नो भाई काई को रोका है, मतलब काई को नहीं रोका है, उनके क्लैन में आपस में लड़ाई झगड़ा यहाँ पे चालू है, तो भाई ध्यान नहीं गया होगा और गलती से जो नए बच्चे ना वो लोग यहाँ पे आ रहे होंगे और क्या। लेकिन एक सेकंड भाई, मेरे को क्या भाई, मेरा काम ये जो जगह इस जगह की प्रोटेक्शन करना, ना कि तुम्हारी दुनिया की प्रोटेक्शन करना, जो करने तू कर, मैं तो चला बाय, इतना बोल के गायब हो जाता है। हमारा हैन भी लाइक, हाँ भाई ये कौन होता है हमारी प्रोटेक्शन करने वाला, जो कुछ हमको खुद करना पड़ेगा। इसने बता दिया कि वो बच्चे हैं और बस महाना स्टेज वाले यहाँ पर है, तो अगर मैंने अपने आप का लेवल आप कर लिया और जो बोलते हैं ट्यूलेशन स्टेज के नौवे लेवल पे चले गए ना, तो शायद इन दोनों के साथ में फाइट यहाँ पे कर पाऊंगा। हाँ तो मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। तो अपने टाइम पे वापस लौट जाता है बेचारा मुर्गा, वो सैड यहाँ पे था क्योंकि उसको पेड़ पे जो बंद करके रखा गया है। अब यहाँ पे आते भाई वही जो भी थे ना भाई डेमोनी कल्टिवेटिंग रिपोर्टर लोग, उनकी ओर जो तो एक लड़का था भाई क्यू नाम का मर चुका था, तो लोग कहते भाई वो मरा नहीं है, उसने सेक्रीफाइस यहाँ पे दिए। हमारा जो ईविल एम्पायर नाम वो भी फाइट कर रहा था, उसकी भी काफ़ी बैंड यहाँ पे बच चुकी है, तो वो भी अभी रिट्रीट के लिए यानी सेकुलेशन में जा चुका है अपने आप को रिकवर करने के लिए। हमको लगा नहीं था कि अचानक से हमारी हालत ऐसे खराब हो जाएगी। और इनका जो लीडर है, इनके लीडर कहता है उससे लड़के के बारे में, जी शेंग शेन के बारे में, कि भाई वो हवेली मोनाज सेट का जो है ना भाई बड़ा स्ट्रॉन्ग लड़का यार, क्या यहाँ पे बताए, वो अभी के लिए ट्यूलेशन स्टेज के नौवे लेवल पर है और उसने हमारे क्यू को यहाँ पे मारा जो कि मनाए स्टेज के चौथे लेवल पे था। इमेजिन करो अगर वो मनाए स्टेज पे चल गया ना, तो आगे चल के और बड़ी मुसीबत यहाँ पे बनेगा, हम सब मिलकर भी उसके साथ फाइट नहीं कर पाएंगे और उसको हरा नहीं पाएंगे। हाँ तो जाहिर सी बात है, उसको मनाए स्टेज पे जाने से पहले उसको रास्ते से मिटाना पड़ेगा, और अभी के लिए बहुत ही लड़ाई कर चुका है, ऑलमोस्ट समझो अपने लेवल अप के कदम पे होगा, यानी बस उसका लेवल अप होने ही वाला होगा, तो उसको हम कुछ भी करने यहाँ पे देंगे नहीं। अपनी जो थी भाई दूसरी वाली बीबी हमारे हैन की, वो भी यहीं पे थी, उसको कहा जाता है कि तुम माना स्टेज के आठवें लेवल पर हो, अगर तुमने फाइट यहाँ पे किया ना तो शायद तुम उसको यहाँ पे हरा पाओगे। हाँ तो भाई जाके फाइट करोगी ना, ये भी कहती नहीं, क्योंकि भाई हमको बोला गया कि मुझे न्यूट्रल रहना पड़ेगा, मैं लड़ाई नहीं कर सकती, अगर मैंने लड़ाई यहाँ पे किया और दम यहाँ पे दिखाया ना, ये दुनिया बर्बाद भी हो सकती है, जब दुनिया ही बर्बाद हो जाएगा तो दुनिया पे कब्जे करके क्या ही मतलब होने वाला है, तो सॉरी आई कांट फाइट। जो सुंदर ये भी कहता है शिट डियर, यानी हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, हम हाथ पे हाथ डर के बैठे भी नहीं रह सकते, क्या करे। तो बाकी दोनों आड़िया देते भाई आप जाओ यार, हम दोनों से पावर आपका ज्यादा हार्ड है और शिवान से थोड़ा सा कम है, आपको कोई भी रोकेगा नहीं, आप जाकर उसको रोक सकते हो। लीडर भी लाइक गद्दारी कर रहे, ये कमीने लोग ये नहीं बोल रहे कि भाई हम भी आपके साथ आते, कहते भाई आप ही जाओ, यानी भाई ये लोग चाहते मैं जाऊँ और लड़ वड़ के यहाँ पे मर जाऊँ, ये लोग आराम से बैठे। तो हमारी यही शिवान कहते भाई टेंशन मत लो, हमको कुछ नहीं करना, वो भी कुछ नहीं करेगा, वो भी बीच में आके और ज्यादा उंगली यहाँ पे नहीं करेगा। और अभी के लिए आसमान में तीन तीन भाई ये सूरज अपीयर हो चुका, जिसमें से दो पक्का डिवाइन गोल्डन क्रो होगा, इसका मतलब समझे दया। ये लोग कहते हैं शीट भाई, इसका ये मतलब हुआ जो हवेली डाउ है वो भी बीच में उंगली करना चाहता है, कि अगर वो बीच में उंगली कर देगा तो हम जो इतना मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं वो मेहनत तो पूरा पानी में चल जाएगा। ये लोग कहते हैं हो सकता है, हमको कुछ भी क्लियर यहाँ पे नहीं है। तो अपने श्वान से कहा जाता है, श्वान सुनो ना भाई, अंडरवर्ल्ड जो है ना, अंडरवर्ल्ड में जाओ, वहाँ पे जो भी है ना भाई पूछो यार कि चल क्या रहे तुम लोग, क्या कर रहे हो, और क्लियर कर करा जाओ। ये भी कहती है अच्छा मैं जाऊँ क्या, चलेगा भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं जा सकती हूँ। तो जाने के लिए पोर्टल वहीं का वहीं ओपन भी कर लेती है, लेकिन जाने से पहले कहती है भाई मेरे ना रहते बन में भी तुम सब कुछ यहाँ पे अच्छे से मेंटेन कर लोगे ना। ये लोग कहते हैं या हम मेंटेन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। तो ये भी कहती है चलो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो सच्ची में कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, इतना बोल के चल जाती है। और ये भी कहती है कि मिनिमम 10 साल का टाइम लगेगा मुझे। ये लोग यहाँ पे कहते हैं कि कोई सेरेमनी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो बताओ सेरेमनी अच्छे से चल रहा है ना। दूसरा कहता है या चल रहा है, तो लीडर भी कहता है गुड, अब जो कुछ हमारा प्लान है ना इसी सेरेमनी पर डिपेंड है। एंड वीडियो यहीं पर खत्म, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।